अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया, क्या कहना चाहेंगे, कितना समय लगा और किस तरह रही से सदन की कार्रवाई की? जैसा आप जानते हैं 14 मार्च 2023 को बजट सत्र शुरू हुआ था और इसमें 16 बैठकों का आयोजन किया गया। 16 मार्च 2023 तथा 24 मार्च 2023 के दो दिन गैर सरकारी कार्य के दिवस निश्चित किए गए थे। माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुकुन जी ने 17 मार्च 2023 को बजट अनुमान वित्तीय वर्ष 2023 को सदन में प्रस्तुत किए थे। सदन की कार्रवाई 75 घंटे और 60 मिनट 59 मिनट्स चली है और सार्थक चर्चा जो है इसमें कुल 52 जो बजट के ऊपर 52 मेंबर्स दे डेलिब्रेटेड ऑन द बजट और ये चर्चा जो है 19 घंटे 51 मिनट चली है और हमारा जो उत्पादकता है, जो वर्किंग एफिशिएंसी है विधानसभा की इस बजट सत्र की 93.77% रही है। और इसमें सभी जो सामान्य सदस्य हैं इस मान्य सदन के, चाहे वो पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, मैंने सभी को पूरी तरह से अपनी बात रखने का मौका दिया और विशेष रूप से जो नौजवान जो पहली बार विधायक चुन के आए थे उनको विशेष रूप से जो है बजट में हिस्सा लेने के लिए और विधानसभा की कार्रवाई में अपने प्रश्न रखने के लिए, अपने विषय रखने के लिए जो है विशेष तौर पर उनका सहयोग किया। और मुझे खुशी इस बात की है कि जो भी नए पुराने तो बहुत एक्सपीरियंस है सारे और सभी ने अपने अपने तरीके से अपनी बात जो है हिमाचल प्रदेश के मुतल्लिक, हिमाचल प्रदेश के अलग अलग इलाकों के प्रति और नए जो हमारे सदस्य हैं उन्होंने भी जो है बड़ी सार्थक चर्चा जो है हर विषय के ऊपर इस मान्य सदन में की है। और प्रश्न जो है 639 स्टार्ट क्वेश्चन और 257 अन स्टार्ट क्वेश्चन से जो सूचनाएं जो है मान्य सदस्यों को, मतलब कुल 896 के करीब जो है सूचनाएं मान्य सदस्यों को हमने उपलब्ध करवाई हैं। इसके अलावा हिमालयन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल नगरोटा बंगवा कांगड़ा हिमाचल प्रदेश, एडमिशंस ओपन नर्सरी एलकेजी यूकेजी टू 12th, साइंस कॉमर्स एंड आर्ट्स। कॉन्टैक्ट अस एट 7018505775 8091711062। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।